हाय गाइस, मैं उमा नाथ सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 5 अगस्त 2019 सोमवार का दिन है। आज नागपंचमी है। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आइए, आज 5 अगस्त तक के जितने करंट अफेयर्स प्रिपेयर हुए हैं उन सबकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, तभी आपकी तैयारियाँ हो सकेंगी और अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए, हमारी वीडियो देखिए और उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा फटाफट, और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने वहील डिग्री योजना शुरू की है? आंसर का ऑप्शन दिया है, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 है आपका उत्तराखंड। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट सही है, एक गुजरात। गुजरात सरकार ने वहील डिग्री योजना शुरू की है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉरी, इसको पहले देख लीजिए फिगर आपका, गुजरात वहील डिग्री योजना, ये आपका फिगर है। और गुजरात की जो राजधानी है, कैपिटल कहाँ, गांधीनगर है। और गुजरात के राष्ट्र CM चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपानी जी हैं, और गवर्नर अथवा राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस बैंक पर RBI ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका SBI, ऑप्शन सेकंड है ADB, ऑप्शन थर्ड है आपका PNB, और फोर है HDFC बैंक। तो इसका ऑप्शन 3 सही है दोस्तों, PNB अर्थात पंजाब नेशनल बैंक पर RBI ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये आपका फिगर है पंजाब नेशनल बैंक का। और आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी और खादी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका गिनी, सेकंड बेनिन, थर्ड गाम्बिया, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन 3 सही है, गाम्बिया पर देश में रामनाथ कोविंद जी ने महात्मा गांधी और खादी आधारित प्रदर्शन का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? फर्स्ट है आपका 1 से 7 अगस्त, सेकंड 3 से 10 अगस्त, थर्ड है 2 से 9 अगस्त, फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस जो है उसको मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर दिया गया है, स्तनपान महिलाएं अपना कर रही हैं, अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्नलिखित में से किस ने मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए फर्स्ट है प्रिया सराव, सेकेंड सुमन राव, थर्ड भांसा मुखर्जी, फोर्थ प्रीति साकी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन थर्ड भांसा मुखर्जी सही है, भांसा मुखर्जी जो है मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीता है। ये फिगर देख लीजिए, ये बीच में आपका भांसा मुखर्जी जी बैठी हुई हैं इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे साइप्रस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट सोनम मलिक, सेकंड जगजीत पावड़िया, थर्ड आयाहिका मुखर्जी, फोर्थ है मधुमिता हजारिका भगत। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन फोर्थ सही है, मधुमिता हजारिका भगत। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए आपके सामने मधुमिता हजारिका भगत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देवदास कनकाल का निधन हुआ वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, अर्थात उनका क्या कार्य था, कौन सा काम करते थे? तो नंबर फर्स्ट आपका लेखक थे, सेकेंड पत्रकार, थर्ड अभिनेता, फोर्थ इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन थ्री सही है, देवदास कंकाल एक अभिनेता थे, एक्टर थे। ओके, ये आपकी फिगर उनके सामने दिख रहा है, ये आपके तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कहाँ पे इंडो लंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 11वीं बैठक आयोजित की गई है? नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 कोलंबो, नंबर 3 नई दिल्ली, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आपका नंबर 2 सही है, कोलंबो में बैठक की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे प्राकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नंबर 1 सुमित कुमार, नंबर 2 अमिताभ घोष, नंबर 3 सूरज नादिया, नंबर 4 गिरीश बापट। तो दोस्तों नंबर 4 इसका सही है, गिरीश बापट। ये आपके सामने गिरीश बापट जी लिख रहे हैं, पहचान लीजिए इनको। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? फर्स्ट भारत, सेकेंड रूस, थर्ड अमेरिका, फोर्थ इजराइल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 4 सही है, इजराइल ने एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये देखिए फिगर आपके सामने दिखाया गया, ये मिसाइल का परीक्षण हो रहा है यहाँ पर इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कहाँ पे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे छोटे बंदरों का जीवाश्म खोज किया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है पेरू, सेकेंड चीन, थर्ड अमेरिका, फोर्थ बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट सही है दोस्तों, पेरू में। पेरू में बहुत छोटे छोटे बंदर हैं, ये देखिए फिगर उनका है, कितना क्यूट लग रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुपर अर्थ ग्रह की खोज की, किसने सुपर अर्थ की खोज किया, मतलब संस्था का नाम लिखना है, कौन सी संस्था ने खोजा है? तो फर्स्ट आपका इसरो, सेकेंड DRDO, थर्ड है नासा, फोर्थ है CNSA। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 3 सही है, नासा ने सुपर अर्थ ग्रह की खोज कर ली है। ये सुपर अर्थ जो आपका ग्रह है सामने दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान चलाया है? ऑप्शन फर्स्ट पंजाब, ऑप्शन सेकेंड हरियाणा, ऑप्शन थर्ड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन फोर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन थर्ड सही है, पश्चिम बंगाल ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान चलाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक यात्रा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए हैं? ऑप्शन दिया है नंबर 1 गिनी, नंबर 2 बेनिन, नंबर 3 गाम्बिया, नंबर 4 भारत। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, इसके पहले हमने वीडियो डाली है उसमें इसका मैंने आंसर बताया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो देख करके जो आंसर सही है इसमें से उसको हमें कमेंट कीजिएगा, और इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके बाद आई बटन भी दबा के मिल सकता है, इन स्क्रीन में भी आ सकता है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए, मे गॉड ब्लेस योर सक्सेस इन योर लाइफ। कांग्रेचुलेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे। ओके।